और इधर मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,310 केसेस हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 69 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है मध्य प्रदेश में। अकेले इंदौर की बात करें तो कोरोना के 900 मरीज यहाँ पर सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से, जहाँ पर कोरोना का जो खौफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से 69 लोगों की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है मध्य प्रदेश में। कातिल कोरोना की मार से बेदम हुआ इंदौर। इंदौर में टूटा कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। गुरुवार को इंदौर में 245 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इंदौर में कोरोना का कहर हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से किए गए उपाय कोई नतीजे देते नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से सरकार पर अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि इंदौर में मरीजों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट में सुस्ती और लापरवाही हो रही है। आरोप अपनी जगह है, आंकड़े भी सूबे की सरकार को सवालों के घेरे में ला रहे हैं। गुरुवार को राज्य में इस महामारी के सबसे ज्यादा यानी 361 मामले सामने आए हैं। ये किसी भी राज्य में एक दिन में सामने आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 1299 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आ चुका है, जहां इस महामारी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अकेले इंदौर शहर में गुरुवार को कोरोना के 8 मरीजों की मौत का मामला सामने आया। इसी के साथ ही शहर में अब तक 47 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। गुरुवार को इंदौर में 245 केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना के मामले बढ़कर 842 पहुँच चुके हैं। इंदौर के MG मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई वो 26 की है। इस तरह से कुल 244 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसे जोड़कर कुल मिला के 830 लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं इंदौर में। इसमें 12 लोग वो भी थे, वो अलग है, जिन्हें कहीं बाहर से आने के कारण हम लोगों ने यहाँ क्वारंटाइन किया था, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष खासकर कांग्रेस इसे मुद्दा बना चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि सूबे में ना स्वास्थ्य सचिव है ना स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे में कोरोना के खिलाफ सूबे के CM लड़ कैसे रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी इस बीमारी से पहले ही ग्रसित हो चुके हैं और बार बार कितने भी प्रयास के बाद भी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। मैं मानता हूँ इस परिस्थिति में हमारा मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है इस पूरी परिस्थिति को संभालने के लिए, तो कृपया करके देश की सरकार इसमें इंटरप्ट करे, इस पर ध्यान दे और मेरे इंदौर के 40 लाख लोगों की जो जान आफत में आई है उसको संभाले। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने वहां के लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम में इंदौर को अब देश में आदर्श स्थापित करना होगा। इंदौर प्रशासन युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ जुट चुका है। यहाँ प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा रहा है और वहां रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 10 लाख की आबादी में से 2000 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। इंदौर प्रशासन का लक्ष्य 12 लाख लोगों का सर्वे करना है। टीम न्यूज़ नेशन।